और हम यहाँ पे आज कोल्हापुर में एक क्रोमा स्टोर है, वहाँ पे वैक्यूम क्लीनर खरीदी शॉप करने के लिए आए। एक्चुअली मेरी कार में बहुत डस्ट होता है, तो कार का वुलन कुशिंग क्लीन करने के लिए मैं बहुत बार सर्विसिंग सेंटर में जाता हूँ। सर सर्विसिंग सेंटर में मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि जो डस्ट है वो अच्छे से क्लीन नहीं होता और इसकी वजह से एलर्जी और ये सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती है। तो अभी आज मैं आया हूँ एक वैक्यूम क्लीनर खरीदने क्रोमा शॉप पे। तो अभी जस्ट मैं उसी सेक्शन में आया हूँ, आपको दिखा दूँ यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वैक्यूम क्लीनर यहाँ पे अवेलेबल है। ये मैंने नेट पे सर्च किया यूरेगा के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है, तो मैंने वही सोचा है प्लान करने का। इसके प्राइजेस और ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। ये इनका एक वॉशेबल हेपा फिल्टर के साथ हेपा वैक्यूम क्लीनर एक है जिसका प्राइस है 499.90। अगर आपको कार के लिए कोई वैक्यूम क्लीनर शॉप करना है तो मुझे लगता है कि आपको आपका बजट 3-4 हज़ार के पास होना चाहिए। घर के लिए अगर आपको कुछ चाहिए, कमर्शियल चीज़ों के लिए चाहिए, तो उसके लिए वैक्यूम क्लीनर अलग है। ये एक्चुअली घर के लिए है, मैं इसके प्राइजेस आपको बता 6000। ये भी एक टाटा का प्रोडक्ट है, क्रोमा में अवेलेबल है। और मैं जो बाय करने वाला हूँ वो ये है, ये और यूरेका फ्रूप्स वैक्स स्विफ्ट क्लीन, इसका प्राइस है 5699। और घर के लिए अगर आपको चाहिए तो ड्राई और वेट ऐसे दो टाइप में वैक्यूम क्लीनर अवेलेबल है। उसके लिए आपको ये ऊपर जो दिख रहा है, बट इसकी प्राइस रेंज आपको जाएगी 10000 के ऊपर। तो ये आपको घर के लिए अगर यूज़ करना है तो ये वैक्यूम क्लीनर काफ़ी अच्छे हैं। कार के लिए अगर आपको करना है तो उसकी रेंज है 1000 to 5000 तक। तो ये नीचे आप देख सकते हो, ये सारे कार के वैक्यूम क्लीनर्स हैं यहाँ पे, ये बॉक्स में। इसके प्राइजेस आपको 1000 तक ये आपको मिल जाएंगे, बट इसके पावर और ये सारी चीज़ें और ये इसके बारे में मुझे डिटेल्स और रिव्यूज़ अच्छे नहीं मिले, तो मैं ये नहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं परचेस कर रहा हूँ। और अभी जो मैंने परचेस किया है उसको अनबॉक्स करेंगे, और अनबॉक्स करने के लिए स्टोर के जो उनके असिस्टेंट हैं वो मुझे दिखाएंगे। तो हम लोग ये अभी मैंने जो लिया है वैक्यूम स्विफ्ट के, उसको अनबॉक्स कर रहे हैं। तो इसका प्राइस है अभी 5699। तो मुझे थोड़ा इसकी डिटेल्स प्राइस मैं आपको बाद में बताऊँगा। वैक्यूम क्लीनर को अभी अनबॉक्स कर रहे हैं और मैंने ये फाइनली परचेस कर लिया है। और ये इसके पार्ट्स क्या क्या है इसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पूरे स्टोर के बारे में डिटेल मैं आज नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत कम टाइम के लिए आया था, इसलिए अभी फ़िलहाल तो वैक्यूम क्लीनर के बारे में मैं डिटेल्स आपको देता हूँ। और ये है, उन्होंने खोल दिया है। और इस वैक्यूम क्लीनर में आपको दो सेक्शन आएंगे, एक ब्लोअर सेक्शन आएगा और एक वैक्यूम सेक्शन आएगा। ब्लोअर का जो है इससे आप धूल मिट्टी को उड़ा सकते हो, और जो वैक्यूम वाला पार्ट है उससे आपको सक करके उसके अंदर एक बैग रहता है, उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा, जो बैग आपको हमेशा क्लीन करना होता है। अभी फ़िलहाल हमने इस को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद जो उसका वैक्यूम हूज़ है वो आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे। ये वैक्यूम हूज़ है, वैक्यूम हूज़ को उन्होंने पोर्ट में कनेक्ट कर लिया। उसको एक हैंडल अवेलेबल है, और ये हैंडल वो साथ कनेक्ट करेंगे राइट। और उसके बाद ये कनेक्शन फाइनलाइज होने के बाद फिर उसका जो नेक्स्ट हूज़ का जो नेक्स्ट कनेक्शन है जो फाइनल फ्लोर के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो उन्होंने निकाल दिया और उसको कनेक्ट करेंगे। ये कर दिया हमने कनेक्ट और अभी स्टार्ट करेंगे। और इन्हें स्टार्ट कर दिया और अभी ये मशीन स्टार्ट हो जाएगा, कनेक्ट कर दिया बटन ऑन कर। ये देखें, ये इस तरह से आप इसको क्लीन कर सकते हो। आगे का हूज का पार्ट निकाल के ट्यूब का पार्ट है जो स्मॉल ट्रिक डिवाइसेस में अगर आपको क्लीन करना है तो इसको क्लीन कर सकते हो इस तरह से। उसके बाकी भी सारे बहुत सारे पार्ट अवेलेबल हैं टेस्टिंग और इसके लिए, वो इसको आपको इसका सेपरेट मिल जाएंगे ये और ये। तो इस तरह से अगर आपको कार के लिए और घर के लिए इतना काफ़ी नहीं है, बट फिर भी अगर आप दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करना है, घर छोटा है तो उसके लिए वैक्यूम क्लीनर काफ़ी अच्छा है। अमेज़ॉन पर मैंने रिव्यूज़ के देख लिए, रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो क्रोमा के असिस्टेंट है उन्होंने हमने दिखाया कि कैसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी बारे की डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में रिव्यू करूँगा। और कार के लिए जो छोटे छोटे वैक्यूम क्लीनर्स थे वो मैं आपको बता रहा था, ये है।
ये इस तरह से आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, 1500 में आपको ये मिल जाएंगे। बट इसकी क्या स्ट्रेंथ है, कितना टाइम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्या एफिकेसी है, मुझे इसके बारे में डिटेल्स कुछ अवेलेबल नहीं है। और फिलहाल तो मुझे घर के लिए भी एक वैक्यूम क्लीनर चाहिए था, तो मैंने घर के लिए ये बाय कर लिया। और ये कोल्हापुर का क्रोमा स्टोर है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अवेलेबल है। और फिलहाल अभी इसका प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है 5699। तो मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन बाय करूँगा, कि ऑनलाइन प्राइस कम लग रहा था, बट यहाँ के जो मैनेजर है उन्होंने मुझे ऑनलाइन प्राइस पे वो एडजस्ट करके दिया, और उसके बाद 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी भी दिया। यूजुअली इसके साथ 1 साल का एक्सटेंडेड वारंटी आता है। और इसका फाइनल लुक मैं आप दिखाता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी एक गैजेट के बारे में आपको डिटेल बताऊँगा। और ये काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल डिवाइस है, आप इसको कार या घर के लिए ज़रूर बाय कर सकते हो। थैंक यू।